स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। जो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा में पिछले साल भी पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आज वो टॉपिक है हमारे पास कि हमारे देखेंगे कि किस राज्य के का कौन मुख्यमंत्री है, कौन यहाँ पे गवर्नर है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्यों में से कम आपको 20 या 22 के आसपास आपको कम से कम उनके गवर्नर के नाम और उनके सीएम के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री वे राज्यपाल। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री सीएम का नाम क्या है और किस राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें पता है तो सीधी सी बात चलते हैं, तो मैप के थ्रू कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आप देखेंगे मैप के थ्रू, ठीक है बच्चों, समथिंग हमने मैप बना लिया है। तो आप देखेंगे मैप में सबसे पहले आप देखेंगे तो यूपी के एग्ज़ाम हैं, तो आप यूपी से स्टार्ट करें। तो यूपी के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सीएम लिख देते हैं, नीचे गवर्नर आपका आ जाएगा या राज्यपाल आपका यहाँ पर आ जाएगा। सीएम का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ है, योगी जी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो एक याद हो गया। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से हैं हम, सभी कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और वो राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है, ये आप लोग कमेंट्स करके आप मुझे करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि यूपी के सीएम का नाम योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरा के गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पर आएंगी। बाद पास में अगर देखा जाए बच्चों, यहीं पर क्या है, उत्तराखंड है, यहीं पर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए आपको। तो सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। तो यहाँ पे सीएम और यहाँ पे गवर्नर गुरमीत सिंह। अभी तक दो हो चुके हैं, तो पहले में योगी जी हैं, दूसरे में पुष्कर सिंह धामी है। अगर बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ पर पंजाब की स्थिति यहाँ पर है पंजाब, तो पीबी लिख रहा हूँ उसको, पंजाब को शॉर्ट फॉर्म में पीबी बोल देते हैं। पंजाब में अगर देखें आप तो पंजाब के भी मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि करंटली क्वेश्चन बन सकता है। इनका नाम भगवत मान है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भागवत मान है और यहाँ के गवर्नर के अगर आप नाम से पूछा जाए तो भागवत नाम के अगर पूछा जाए अब यहाँ से, तो यहाँ पर कौन होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बनवारीलाल पुरोहित होंगे। तो यहाँ के गवर्नर जो होंगे बच्चों, गवर्नर का नाम क्या होगा, बनवारीलाल पुरोहित। सभी बच्चे कमेंट भी करते रहेंगे साथो साथ, तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम देखेंगे आप, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम भगवत मान है, ये आप देखेंगे भगवत मान है। दूसरा अगर आप देखें बनवारीलाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर है, तो ये जो है सीएम है, तो इनको सीएम घोषित कर देना आप। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे जब देखेंगे यहाँ पर तो तमिलनाडु की अगर बात करें यहाँ पर एम के स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की अगर बात करी जाए बच्चों, R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो क्वेश्चन बना था बच्चों, वो पूछा था कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सबको सब मैप पर याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और यहाँ के सीएम गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। सीएम का नाम है जय राम ठाकुर और गवर्नर का नाम बच्चों आप याद रखेंगे, गवर्नर का नाम है विश्वनाथ, थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ,
चलो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो विश्वनाथ गवर्नर का नाम क्या है? विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो विश्वनाथ आर्लेकर की अगर बात करी जाए तो ये सीएम गवर्नर कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं, वो जय राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। अगला बताएंगे बच्चे मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे अगला बताएंगे मध्य प्रदेश के बारे में अगला है मध्य प्रदेश। तो यहाँ का भी सभी को लोगों को पता होना चाहिए। यूपी के जस्ट बराबर में आप देखें, सपोज करो मैं यहाँ लेट करके चल रहा हूँ, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ के नाम यहीं पे लिख देता हूँ मैं, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के सीएम का नाम बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे गवर्नर का नाम बताएंगे, सीएम कर देते हैं इसको हम, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन होगा? मंगू भाई पटेल। ठीक है बच्चों, आधे से ज़्यादा हमारा मैप घिर चुका है, मंगू भाई पटेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पड़ेगा बच्चों गुजरात। गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात में जो सरकार है बीजेपी सरकार है, और यहाँ के जो सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और यहाँ के गवर्नर बताएंगे बच्चों आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये यहाँ के आपके ये सीएम है ऊपर वाले, नीचे वाले गवर्नर हुए। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर पड़ेगा महाराष्ट्र, एमएच बोल रहा हूँ, और महाराष्ट्र आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ के आप देखेंगे सीएम का नाम अगर आप देखें यहाँ पे, तो अभी नए बने हैं सीएम, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंटली क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस राज्य के सीएम, यानी पहले उद्धव ठाकरे थे, अब कौन बन गए यहाँ पे? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे कहाँ के सीएम हैं? तो बच्चों इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? इसका आंसर लगाएंगे महाराष्ट्र के। किसके हैं? महाराष्ट्र के सीएम का नाम बताएंगे एकनाथ शिंदे हैं। तो गवर्नर का नाम जल्दी से कमेंट करें, क्या हो सकता है गवर्नर का नाम बताएंगे सभी के सब लोग, गवर्नर का नाम बताएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, भगत सिंह किशोरी। गवर्नर का नाम क्या है यहाँ के? भगत सिंह किशोरी। तो गवर्नर का नाम है भगत सिंह किशोरी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। भगत सिंह किशोरी यहाँ पर पड़ेगा राजस्थान, यहाँ पर क्या आएगा? राजस्थान। और राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, ये आपको पता होना चाहिए अशोक गहलोत। और यहाँ के जो ये सीएम है अशोक गहलोत कौन है बच्चे? सीएम है। अगर गवर्नर राजस्थान के अगर आपसे पूछे तो गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो गवर्नर का नाम देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अब थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा इसको आउट करके लिख देता हूँ। राजस्थान की अगर बात करेगा आपसे, यहाँ पर आएंगे अशोक गहलोत और आएंगे कलराज मिश्र। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट होगा आपके। अशोक गहलोत किस राज्य के सीएम हैं? तो राजस्थान के हैं। अगर तुमसे पूछे आपसे बताएंगे कि कलराज मिश्र जो है कहाँ के गवर्नर हैं, तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ये आपका आएगा आपका राजस्थान के। अगला चलते हैं यहाँ पे, देखो बच्चों अगला क्या आएगा, मैं मैप तो खैर भर चुका है लेकिन चलो, अगला आएगा गोवा। गोवा के सीएम का नाम बताएंगे, गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर, ये होगा सीएम, ये होगा गवर्नर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर बताएंगे श्रीधर पिल्ले। ठीक है, श्रीधर पिल्ले। तो देखो गोवा को अगर देखो इंग्लिश में लिखा जाता है ना, गोवा को जी लिखा जाता है, प्रमोद को पी लिखा जाता है और श्रीधर को एस से लिखा जाता है। तो आप इसको जीपीएस से भी याद कर सकते हैं गोवा को, जी से गोवा हो गया, पी से प्रमोद हो गया और एस से क्या हो गया? श्रीधर हो गया। तो जीपीएस से आप याद कर सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री को,
यहाँ के, और गवर्नर को भी याद कर सकते हैं, यहाँ के सीएम को भी याद सकते हैं, गोवा, गोवा की राजधानी आपको पता होना चाहिए, पढ़ जिए, ठीक है बच्चे। अगला चलते हैं, अगला क्या होगा यहाँ पे, अगला जो पॉइंट आने वाला है बच्चे, तो यहाँ पे लिखें मणिपुर का नाम सुना होगा आपने, तो यहीं पर कहीं मणिपुर है, तो मणिपुर को लिख सकते हैं यहाँ पर आप, मणिपुर है। मणिपुर के सीएम का नाम बताएंगे, यहाँ पर सीएम है एन ब्रैन सिंह है, और यहाँ के गवर्नर का नाम बताएंगे बच्चे, गवर्नर का नाम बताएंगे ला गणेशन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके बाद, चलें बच्चे। और एक बार वो देख लेते हैं यहाँ पे जगह पड़ेगी तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर आता है। यहाँ के जो सीएम हैं चंद्रशेखर राव, यहाँ के सीएम का नाम क्या है, चंद्रशेखर राव है। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम बताएंगे तमिल साई सुंदरराजन, ठीक है। तो तमिल साई सुंदरराजी जो है यहाँ के क्या है, यहाँ के जो है गवर्नर हैं, और चंद्रशेखर राव यहाँ के तेलंगाना के सीएम हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम योगी, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल, मेरे साथ सभी को रिवीजन करेंगे। उत्तराखंड का कौन है भाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर का नाम गुरमीत सिंह है, और मणिपुर के सीएम का नाम एन ब्रैन सिंह, और गवर्नर का नाम ला गणेशा है, और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं, और इनका जो गवर्नर का नाम है वो विश्वनाथ आरलेकर है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पंजाब के भगवत मान है, और इनके जो गवर्नर है बनवारी लाल है। राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, और गवर्नर के कलराज मिश्र हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे आएगा, साथ में भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर आपके आंसर में आएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आएंगे और मंगू भाई पटेल आएंगे, वो तेलंगाना को आपको पता ही है कि चंद्रशेखर राव, और साथ में जो आएंगे गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन आएंगे, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लिया, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं हम। चलें आगे चलते हैं, दोबारा मैप बनाते हैं। ठीक है, चलो समथिंग मैप बन चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो त्रिपुरा जगह पड़ेगी यहाँ पर, और त्रिपुरा के याद देखेंगे विप्लव, यहाँ के जो सीएम का नाम है विप्लव है, यहाँ के सीएम का नाम क्या बच्चे, विप्लव है। तो दो तीन बार इसको रिवीजन करेंगे तो यहाँ के सीएम का नाम आपको हो जाएगा। तो गवर्नर का नाम जल्दी से बताएंगे, गवर्नर का नाम क्या है, सीएम का नाम विप्लव है, गवर्नर का नाम बताएंगे सत्यदेव। तो देखो समस्या समझ रहे आ रही होगी, त्रिपुरा में क्या है, लव है, और लव कैसा होता है, सत्य होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो त्रिपुरा की देखेंगे आप, त्रिपुरा के सीएम का नाम विप्लव, और यहाँ पे गवर्नर का नाम क्या है, सत्यदेव। तो ठीक है, लव कैसा होता है, सत्य होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो आपके पास आने वाला है बच्चे, यहाँ पे जगह पड़ेगी, तो यहाँ पे झारखंड आएगा। तो झारखंड में यहाँ लिख देता हूँ, झारखंड अगर देखें तो झारखंड के सीएम का नाम बताएंगे आप लोग, झारखंड के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर का नाम बताएंगे आप, तो गवर्नर का नाम बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए रमेश बसु, ठीक है। तो हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं, झारखंड कोयला उत्पादन में नंबर वन पे आता है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो रमेश बसु हैं। तो झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो गवर्नर है वो कौन है, रमेश बसु। अब बात करते हैं बच्चों मेघालय की, बात करते हैं तो यहाँ पर जगह पड़ती है मेघालय, मैं यहीं लिख रहा हूँ छोटा सा मेघालय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेघालय, और मेघालय के सीएम के नाम देखेंगे
कौन रोड संगमा, कौन रोड संगमा, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम का नाम बताएंगे, कौन रोड संगमा, कौन रोड संगमा, यहाँ के सीएम का नाम क्या है, कौन रोड संगमा। और गवर्नर का नाम आप लोग सभी बताएंगे, यहाँ पे गवर्नर का नाम क्या होगा बच्चे, तो गवर्नर का नाम अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे तो ये होगा सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखेंगे तो तीन स्टेट को कवर किया है, झारखंड में हेमंत सोरेन है, गवर्नर का नाम है रमेश बसु। किसी बच्चों को याद करने में अगर दिक्कत आएगी ना तो एक काम करते हैं ना, पहले वो गवर्नर की जगह पहले मुख्यमंत्री को याद कर लें, उसके बाद आप गवर्नर को याद कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को दिक्कत आए याद करने में उसको, प्यारे दोस्तों, तो आप पहले सबसे पहले सीएम को याद कर लें, बाद में उसके गवर्नर को याद कर लें। तो लिखने आपको सभी हैं, तो सीएम यहाँ पर देखेंगे हेमंत सोरेन, गवर्नर का नाम रमेश बसु, त्रिपुरा की करें विलप, और विलप कैसा है, सत्यदेव है, और मेघालय में देखेंगे कोनरोन संगमा, और बात करें बच्चे आगे जाके और इसके जो गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक है, ठीक है। आगे चलने की बात करें तो यहाँ पे जगह पड़ेगी केरल, तो अगला देखते हैं यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, केरल, केरल के जो सीएम है पिन्नाराई विजयन, यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पिन्नाराई विजयन कहाँ के सीएम है दोस्तों, पिन्नाराई विजयन कहाँ के दोस्तों, ये आपके आएंगे केरल के आएंगे, और ये जो गवर्नर हैं बच्चों मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, ये आपके आएंगे केरल के, ठीक है। तो यहाँ पे चार हो चुके हैं, एक ये, एक दो तीन और चौथा। अगला अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ जगह पड़ेगी कर्नाटक, जगह पड़ेगी यहाँ पे बच्चों कर्नाटक, तो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के सीएम का नाम बताएंगे बासवराज बोम्बई, ये यहाँ के सीएम हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे यहाँ के गवर्नर का नाम आप बताएंगे, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, 5 सेकंड का समय आपको देता हूँ, जल्दी से बताएंगे गवर्नर का नाम, कर्नाटक के गवर्नर का नाम क्या होगा, जल्दी से बताएंगे गवर्नर का नाम क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे गवर्नर का नाम क्या होगा, गवर्नर का नाम क्या होगा। बासवराज मुंबई जो है ये सीएम है कर्नाटक के, यहाँ के गवर्नर का नाम है थावर चंद गहलोत जो हैं, ये आपके कर्नाटक के आपके गवर्नर कहलाएंगे प्यारे दोस्तों। अगर बात करी जाए आपकी यहाँ से तो यहाँ पे बचेगा सिक्किम बचेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा पार्ट देखेंगे यहाँ पे मेघालय से जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये पार्ट में सिक्किम लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम के जो सीएम का नाम है प्रेम तमांग है, सीएम कौन है बच्चे, प्रेम तमांग है, सिक्किम के सीएम का नाम प्रेम तमांग है। और देखो खास बात क्या है इसकी, सुनो, बिल्कुल प्रेम तमाम हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, सिक्किम में हो रहा है। और यहाँ के जो गवर्नर है ना गंगा प्रसाद हैं, कौन हैं, अरे गंगा प्रसाद हैं यहाँ के, ठीक है। तो भैया देखेंगे आप सिद्ध समझ रहे, तो गंगा से प्रेम कहाँ पर है, सिक्किम में है, इस प्रकार से बोलते ना कि काम तमाम हो गया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो काम तमाम कहाँ हो गया, सिक्किम में हो गया। तो जब तक काम तमाम हो गया तो बच्चे अस्थियां कहाँ पर विसर्जन करते हैं, गंगा में करते हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो सिक्किम के सीएम का नाम प्रेम तमांग है, और यहाँ पे अगर देखा जाए आपसे तो गवर्नर का नाम क्या है, गंगा प्रसाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पॉइंट रहा है, आप देखेंगे एक यहाँ पे पड़ता है असम, मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर पड़ता है असम, यहाँ पर जो जगह पड़ती है यहाँ पर पड़ेगा असम, और असम के गवर्नर का नाम काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे नृत्य भी पूछता है, ध्यान रखना इस बात को। तो असम का नृत्य बिहू है, याद रखेंगे, और कामाख्या मंदिर जो है ना वो यहीं पर है, कामाख्या मंदिर असम के अंदर, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ के सबसे पहले सीएम का नाम आप बताएंगे और फिर आपको बताएंगे गवर्नर का नाम, सीएम का नाम और गवर्नर का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप देंगे, सीएम का नाम क्या है और गवर्नर का नाम यहाँ पर क्या है, सीएम का नाम क्या है और गवर्नर का नाम क्या है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे सीएम का नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा,
हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। तो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम लिखेंगे जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है प्यारे बच्चों यहाँ के आप देखेंगे तो यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, चलें अगला चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर पड़ेगा एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश। और इसके अरुणाचल प्रदेश के कौन है सीएम और यहाँ के गवर्नर, ये दोनों आपको बताने होंगे, सीएम और गवर्नर। जब तक आप नहीं बताओगे ना आपको पता नहीं होगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है या आप उसको कितना याद कर पा रहे हैं। तो सीएम का नाम बताएंगे पेमा खांडू, यहाँ पर देखेंगे पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। तो जल्दी से गवर्नर कमेंट बॉक्स में करेंगे, गवर्नर का नाम क्या है या आप मुझे बताएंगे गवर्नर का नाम क्या है, यहाँ पे गवर्नर का नाम क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ बी डी मिश्रा। तो दोस्तों अभी तक मैक्सिमम हमें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, गवर्नर का नाम बी डी मिश्रा है, असम में देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और गवर्नर का नाम अगर आप देखें तो जगदीश मुखी यहाँ पर आएंगे। और सिक्किम में आप देखेंगे यहाँ पर सिक्किम के, अगर नहीं सिक्किम का नहीं है, सिक्किम से क्या, सिक्किम का ये है, सिक्किम का क्या है प्रेम सिंह तमाम है सीएम, और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। केरल की अगर बात करें तो पिनरायी विजयन जो है यहाँ के सीएम हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और कर्नाटक की अगर बात करी जाए यहाँ से तो बासवराज बोम्मई यहाँ के जो है सीएम है का नाम है, और गवर्नर का नाम क्या है थावरचंद गहलोत यहाँ पर है, तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला चलते हैं यहाँ पे बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या पड़ेगा कितना, तो देखेंगे आप तो उड़ीसा देखें यहाँ पे आप, यहाँ पर पड़ेगा आपका उड़ीसा, यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका उड़ीसा पड़ेगा। और उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के सीएम का नाम आप लोग बताएंगे, सीएम का नाम जो है नवीन पटनायक है, सीएम का नाम क्या है बच्चे नवीन पटनायक सीएम का नाम क्या है नवीन पटनायक है। और गवर्नर की अगर बात करें आप यहाँ से जल्दी से कमेंट बॉक्स में भरेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए उड़ीसा इस बार होगा, तो महाराष्ट्र में कह रहा हूँ महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, उड़ीसा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखेंगे, और असम भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो उड़ीसा और झारखंड के देखेंगे आप तो यहाँ पर जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं का संबंध यहाँ से रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भजन मयूरभंज जो है कि नृत्य जो कहाँ का है, तो वो उड़ीसा का है, तो इसी वजह से उड़ीसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो जल्दी कमेंट्स में आप बताएंगे उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट बताएंगे, जिसने नहीं उतारा उसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लें, उड़ीसा के गवर्नर जल्दी बताएंगे। बहुत आसान है बच्चों, उड़ीसा के गवर्नर क्या है, सीएम का नाम नवीन पटनायक है, तो नवीन देखेंगे तो गणेशी लाल आएगा, गणेशी लाल, तो गणेशी लाल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ के गवर्नर हो गए हैं। अगला चलते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है, तो अगला कौन कौन से स्टेट रहेगा यहाँ पे बच्चों, देखता हूँ मैं यहाँ पे तो 4-5 चलो ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक स्टेट और रह गई है जिसको देखेंगे, यहाँ पे हरियाणा रह गई है, हरियाणा की अगर बात करी जाए तो हरियाणा के सीएम का नाम बताएंगे, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर का नाम देखेंगे आप मंगू भाई पटेल। तो गवर्नर का नाम क्या है मंगू भाई पटेल। तो ये वो इम्पोर्टेंट गवर्नर, और यहाँ पे देखेंगे जो सीएम के नाम है वो आपको मैंने बता दिए हैं, किसी को कोई परेशानी को समझ में नहीं आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ठीक है। तो ठीक है, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जुड़े रहें, नमस्ते।